रुद्राक्ष इतने सालों बाद अपनी नन्ही परी यानी कि रूही से मिला है, अपनी बेटी से मिला है, ऐसे में उसके साथ वो वक्त तो गुजारना चाहेगा ही। लेकिन ये क्या तरीका है जनाब कि आपने एक बच्ची को उसकी माँ से ही अलग कर दिया और आप सोच रहे हैं कि बच्ची आपके साथ हंसी खुशी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और यही सारी गलत फहमी रुद्राक्ष के सामने होने वाली है चूर चूर। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे रुद्राक्ष ने अपने गुस्से में आकर के प्रशा को जेल तो भेज दिया है और यहाँ पर रूही को ये भी पता चल गया है कि रुद्राक्ष की वजह से ही उसकी माँ प्रशा जेल चली गई है। अब ऐसे में प्रशा के जेल चले जाने के बाद रूही बिल्कुल अकेली हो जाएगी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर रुद्राक्ष रूही को ले आएगा खुराना हाउस और यहाँ पर उसकी ढेरों केयर होंगी, काफ़ी ज़्यादा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जहाँ पर वैजंती भी रुद्राक्ष के कहने पर रूही से काफ़ी अच्छे से बिहेव करती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर रूही को आ रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशा ममा की याद और उसे ममा के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। जैसे ही वो रुद्राक्ष को देखेगी वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है कि आखिर आपने मेरी ममा को जेल क्यों भेज दिया। यहाँ पर उसको ये भी पता चल जाएगा कि रुद्राक्ष और प्रशा के बीच में जो लड़ाई थी वो इतनी बढ़ गई कि जिसके बाद रुद्र ने प्रशा को जेल में भेज दिया। अब ऐसे में देखना होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब जब रुद्राक्ष रूही को प्यार करने का मन बनाएगा तब तक वो उससे बहुत ही ज़्यादा गंदा और बुरा व्यवहार करने वाली है। अब ऐसे में क्या रुद्राक्ष रूही की परेशानी उसकी ज़िद और उसका गुस्सा देख करके प्रशा को वापस खुराना हाउस में लाने पर हो जाएगा मजबूर? क्या वो जेल से खुद प्रशा को छुड़ा कर लाएगा? ये सब कुछ देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फिलहाल ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।